हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वो 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हर एक पाइथन प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए अगर वो एक अच्छा पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तो पाइथन ऑलरेडी फेमस है अपने आसान सिंटैक्स के कारण। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है, तो हम लोग वो चीज़ भी देखेंगे कैसे हम लोग पाइथन के सिंटैक्स और लाइब्रेरीज़ की हेल्प से वो चीज़ें कर सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग सी और जावा में बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। इवन आपको वो चीज़ें करते करते बहुत बहुत टाइम भी लग सकता है, बट पाइथन में वो चीज़ें आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं वो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं, 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एवरी पाइथन मस्ट नो अगर उसे एक अच्छा पाइथन डेवलपर बनना है। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पे किसी भी मंथ का कैलेंडर प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा। जावा स्टार्ट किया था सीखना, उसके बाद उससे पहले भी मैंने C++ थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो जब मैं ये वाला क्वेश्चन प्रिंट करता था, मैं चाहता था कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ ईयर और मंथ, और मुझे इस तरीके से इस सिंटेक्स में कुछ कंसोल पे आउटपुट मिले। उस वीक के सारे ऊपर हमारे वीक्स दिखें और नीचे अगर वो यहाँ से थर्सडे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो, और एकदम मतलब मैं चाहता था कि मैं यूजर से इनपुट लूँ मंथ और ईयर, और मैं इस फॉर्मेट में उस मंथ का कैलेंडर प्रिंट कर दूँ। ट्रस्ट मानिए, जावा में हमने बहुत ही लॉजिक लगाया, बहुत ही दिमाग लगाया, तब जाके इसको मैंने प्रिंट किया। नंबर ऑफ डेज काउंट किए कि जनवरी से इस महीने में कौन से डे को कौन सा दिन पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने में बहुत ही हमें दिक्कत हुई, इन द सेंस कह सकते हैं। बट ये काम हम देखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी आसानी से कर सकते हैं। किसी भी महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी महीने का कैलेंडर एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है कैलेंडर, तो आप उसको इम्पोर्ट कर लीजिए, इम्पोर्ट कैलेंडर। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है प्रिंट, क्योंकि आप प्रिंट करने जा रहे हो तो प्रिंट यूज़ करोगे। उसके बाद कैलेंडर मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है मंथ, और इस मंथ को आप दे दीजिए अपना ईयर। सबसे पहले हमने कहा 2019 कॉमा, उसके बाद ईयर के बाद कॉमा लगा के आपको मंथ देना है, तो 8 मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा, सिंपल कैलेंडर प्रिंट कर देगा इस ईयर इस मंथ का। अगर राइट क्लिक करें, उस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आपको यही एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा। अगर आपको जुलाई का चाहिए तो आप एक कम कर दीजिए, सेव कर दीजिए और राइट क्लिक करिए और अपने प्रोग्राम को रन कर दीजिए। देखिए जुलाई 2019 का कैलेंडर प्रिंट हो गया। इवन आप 2000 का भी कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जुलाई 2000 राइट क्लिक करके और रन एस। यहाँ पे देखिए जुलाई 2000 का कैलेंडर प्रिंट हो गया, उस दिन 1 तारीख को सैटरडे था। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाइथन के कैलेंडर मॉड्यूल की हेल्प से अपने इस प्रॉब्लम को कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, अब आप क्या करिए कि अब आप कैलेंडर मॉड्यूल को ना यूज़ करिए, और आप ऐसा कोशिश करिए कि मैं यूज़र से ईयर लूँ और मंथ लूँ और इस प्रोग्राम को सॉल्व करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि पाइथन ने प्रोग्रामिंग को कितना आसान कर दिया है। आप काउंट करिएगा कितना टाइम लगता है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रोग्राम का लॉजिक भी बताइएगा और बताइएगा कितना टाइम लगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा टिप्स जो है हमारा, वो टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन है। हम भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे टर्नरी ऑपरेटर जब सी पढ़ते थे, जावा पढ़ते थे, C++ पढ़ते थे। तो पहली चीज़, तो यहाँ पे दो नंबर लिया मैंने, ए और बी, एक में 12 रख दिया और एक में 20 में रख दिया, और ये जो लॉजिक है वो बेसिकली मैक्सिमम निकालना। अगर मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे 21 प्रिंट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है 21। दैट मीन्स इन दोनों में बड़ा वाला नंबर आ रहा है। फिर हम लोग C++ या जावा में हम लोग क्या करते थे, इन इतनी लाइनों को मिनिमाइज़ करते थे टर्नरी ऑपरेटर से। बट सी और C++ या जावा का जो टर्नरी ऑपरेटर था, उसका जो सिंटेक्स था, वो स्टूडेंट्स को समझने में या डेवलपर को समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती थी। तो पाइथन में बहुत ही सिंपल एक लाइन का एकदम इंग्लिश सेंटेंस है जिसको हम लोग लिखने वाले हैं। हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं। हम लेंगे एक वेरिएबल एक्स और हम कहेंगे ए मैक्सिमम में असाइन हो जाए इफ़ A is greater than B, else B, simple। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कोई टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। मैंने कहा A मैक्सिमम की वैल्यू A हो जाए अगर ये कंडीशन ट्रू हो,
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाए। तो अगर आप इसको सिंपली पढ़ोगे तो समझ जाओगे ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी, इसका मतलब मैक्सिमम ए हो जाएगा अगर ए बी से बड़ा होगा, अगर छोटा होगा बी तो बी की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट मैक्सिमम तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, राइट क्लिक करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए 21। इसी तरह हम मिनिमम को एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं, तो हम प्रिंट ऑफ हम देखिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ए इफ ए इज लेस देन बी एल्स बी, अगर ए प्रिंट होगा अगर ये छोटा होगा बी से प्रिंट होगा, राइट क्लिक करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 12 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, ये कोई भी प्रोग्रामिंग का सेंटेक्स नहीं लगता है, ये लगता है एक सिंपल इंग्लिश वर्ड लिखा इंग्लिश सेंटेंस लिखा है, इसको अगर पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट मीन्स नेक्स्ट टिप्स की तरफ, तो हम थर्ड पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, एक नंबर एक ए में रखा हुआ 34, बी में रखा है 343, और मैंने लॉजिक लगाया स्वैप का। हमने क्या किया, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया है, जैसे हम लोग सी जावा में करते थे, टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया है जिसमें ए की वैल्यू को असाइन कर दिया है, जिससे कि टेम्प्रेरी में ए की वैल्यू आ गई, फिर बी की वैल्यू ए में रखा और फिर टेम्प्रेरी की वैल्यू बी। एक थर्ड वेरिएबल हमने यूज़ किया, और अगर हम देखिए यहाँ ए 34 है बी 343, बट अगर हम इसको चला के प्रिंट करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट हो रही 343 और 34। इसको सॉल्व कर देते थे, अगर हम लोग को थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करना होता था तो हम लोग जावा में क्या करते थे, प्लस माइनस करके काम कर लेते थे, बट पाइथन में आपको कुछ नहीं करना। पाइथन में क्या करना है, देखिए पाइथन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली ए की वैल्यू बी में डालनी है, तो आप लिखो बी, इवन आप वेरिएबल ऐसे एक लाइन और कम कर सकते हो, डायरेक्ट ए कॉमा बी इज इक्वल टू 34 कॉमा 343, वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब स्वैप करनी है तो बी कॉमा ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, सिंपली आपकी जितनी वैल्यूज होंगी स्वैप हो जाएंगे। देखिए ए की वैल्यू बी में चली जाएगी और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, राइट क्लिक करिए प्रिंट करिए आपका देखिए आउटपुट आ जाएगा। तो ये चीज़ भी पाइथन की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वेरिएबल्स को आप एक ही लाइन में इनिशियलाइज कर दीजिए, एक ही लाइन में स्वैप कर दीजिए और आप कई सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर दीजिए। देखिए प्रिंट में हमने दो वेरिएबल्स पास किए हैं ए कॉमा बी विदाउट कॉन्कैटेनेशन, आपने कॉन्कैटेनेशन नहीं किया, शायद अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो ए प्लस उसके बाद स्ट्रिंग लिखनी पड़ती फिर वी लिखना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें पाइथन के बारे में बहुत कूल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब फोर्थ प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें हमने कुछ नाम रखे हुए हैं, लिस्ट में जॉन रखा हुआ, पीटर रखा हुआ, सचिन रखा हुआ, राहुल रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस लिस्ट को हम प्रिंट करें। तो सिंपल हमने क्या किया, देखिए फॉर नेम इन लिस्ट, अब क्या होगा एक एक नाम इस नेम में आता रहेगा और हमने प्रिंट कर दिया, और नेम के साथ में हम लोग इंडेक्स भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे एक इंडेक्स का वेरिएबल ले लेंगे 0 और हम फिर इंडेक्स को प्रिंट करेंगे नाम के साथ और हम इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। तो होगा क्या, जब पहला नाम आएगा तो इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, फिर इंडेक्स की बढ़ जाएगी और बारी बारी से लूप चलता जाएगा, इंडेक्स के साथ सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मैं एक बार रन करता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए 0 पे जॉन, 1 पे पीटर, 2 पे सचिन, 3 पे राहुल। लेकिन ये जो तरीका है ये रिकमेंडेड नहीं है पाइथन में, आप लाइंस ऑफ पहले तो वेरिएबल्स बढ़ा रहे हो, वेरिएबल एक एक्स्ट्रा लियो, फिर आप लाइंस ऑफ कोड बढ़ा रहे हो, एक लाइन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इस चीज़ को हम काम करने के लिए, इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है एनुमरेट, उस एनुमरेट फंक्शन को यूज़ करेंगे काम करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली फॉर लगाना है और एक वेरिएबल लेना है इंडेक्स के लिए, तो आप आई ले सकते हो कॉमा, एक वेरिएबल लेना है नेम के लिए तो आप नेम ले सकते हो, इन एनुमरेट फंक्शन यूज़ करना है और इसमें अपनी लिस्ट पास कर देनी है बस। पाइथन ऑटोमेटिक क्या करेगा, आई में इंडेक्स दे देगा और एन में आपका नाम दे देगा एक एक नाम। तो हम क्या करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम आई कॉमा भी नहीं लगा के प्रिंट करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आप आई प्रिंट कर सकते हो, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर एरो लगा के आप एन भी इसी के अंदर प्रिंट कर सकते हो। आप राइट क्लिक करो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो। आप देखिए 0 पे जॉन, 1 पे पीटर, 2 पे सचिन, 3 पे राहुल। अगर आप चाहते हो इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के स्टार्ट की वैल्यू 1 कर सकते हो,
तो देखिएगा यहाँ जहाँ जीरो है इंडेक्सिंग आपकी वन से स्टार्ट होगी, राइट क्लिक करूँगा और रन कर दूंगा। देखिए वन से, वन पे जॉन, टू पे पीटर, थ्री पे सचिन, फोर पे राहुल। तो आप क्या कर सकते हो, इनुमेरेट मेथड यूज़ कर सकते हो अगर आपको इंडेक्स भी चाहिए। अब उसमें भी वेरिएशन है, अगर ये स्टार्ट वन नहीं दोगे तो होगा क्या, ये जीरो से स्टार्ट होगा, वन दे दोगे तो वन से स्टार्ट होगा। और भी चीज़ें अगर आपको एक्सप्लोर करनी है, जानना है इस फंक्शन के बारे में, तो आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करिए, वहाँ से मैंने उठाई ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ टिप्स की तरफ। तो फिफ्थ टिप्स में हम लोग बात करेंगे दो मल्टीपल, टू और मोर देन टू लिस्ट को एक साथ कैसे ट्रवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू लिस्ट बना के रखी है, आप देखिए यहाँ पे हमने बना के रखा है नेम्स, नेम्स में कुछ चार नाम लिए हैं और सिटी, सिटी में मैंने चार सिटी लिए है। बेसिकली ये जो नाम है कॉरस्पॉन्ड टू सिटी, दैट मीन्स राम लिव्स इन लखनऊ, श्याम लिव्स इन कानपुर, रवि लिव्स इन दिल्ली एंड करण लिव्स इन मुंबई। अब हम लोग को क्या करना है, लिस्ट को एक एक करके निकाल, एक लिस्ट में से एक एक एलिमेंट्स को निकालना है और हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, राम लिव्स इन लखनऊ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों लिस्ट को बारी बारी से ट्रवर्स करना पड़ेगा या इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसे आप इंडेक्स ऐसे करके आप प्रिंट करोगे, एक वेरिएबल इंडेक्स फॉर नेम इन नेम्स से हम एक एक वेरिएबल, एक एक वैल्यू निकालेंगे, एन आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिटी निकालने के लिए हम सी वेरिएबल लेंगे और सिटी पे कॉल करेंगे यहाँ पे इंडेक्स। अब हमें देखिए सिटी भी एन, सी में सिटी मिल गई, एन में नेम मिल गया, तो हम प्रिंट कर देंगे। बट फ्रेंड आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है zip, उस zip फंक्शन को प्रिंट कर यूज़ कर सकते हो दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए। zip फंक्शन देखिए कैसे यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे लिस्ट फंक्शन कंबाइन कर, लिस्ट मल्टीपल लिस्ट को ट्रवर्स करने के लिए मैं लिखूँगा फॉर और n फॉर सिंगल नेम कॉमा c फॉर सिंगल सिटी इन, और हम कॉल करेंगे zip, और zip में अपनी दोनों लिस्ट बारी बारी से पास कर देंगे, एक नेम्स और फिर सिटी। होगा क्या, पाइथन अपने आप से क्या करेगा, पहले n में राम, c में लखनऊ, फिर दूसरी बार में दूसरे इटरेशन में श्याम n में कानपुर, c में फिर रवि और दिल्ली। हम क्या करेंगे, प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो कोलन लगाएंगे और लिखेंगे प्रिंट। और अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैं सिंपली यूज़ करता हूँ फॉर्मेटिंग, तो मैं लगाऊंगा F और स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा N मीन्स राम आ जाएगा पहली बार में, लिप्स इन सिटी की जगह मैं ऐसे लगाऊंगा और C प्रिंट कर दूंगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे N, N की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले राम लिप्स इन लखनऊ, श्याम लिप्स इन, ऐसे करके आउटपुट आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और चलाएंगे, यहाँ पे देखेंगे राम लिप्स इन लखनऊ, श्याम लिप्स इन कानपुर, रवि लिप्स इन दिल्ली, करण लिप्स इन मुंबई। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल एक ही लूप से काम कर दिया। अगर आपके पास एक और लिस्ट होती, सपोज़ हमारे पास एक फ़ोन की लिस्ट है जिसमें क्या रखा है, सबके फ़ोन रखे हैं, इनका फ़ोन है, इनका फ़ोन है, इनका फ़ोन है, इनका फ़ोन है, तो आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ में यहाँ एक वेरिएबल और ले सकते हो और एक लिस्ट और पास कर सकते हो, फ़ोन की लिस्ट आप पास कर सकते हो और यहाँ पे एंड फोन नंबर इस, फोन नंबर इस, और हम क्या करेंगे पी पास कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा राम लिप्स इन लखनऊ एंड फोन नंबर इज दिस, श्याम लिप्स इन लखनऊ एंड फोन नंबर इज दिस। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लिस्ट को एक साथ ट्रवर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मल्टीपल लिस्ट को हम लोग एक साथ ट्रवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ zip फंक्शन। zip बेसिकली कंबाइंस दिस थ्री लिस्ट एंड रिटर्न्स वन बाय वन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा काम कर सकते हो। अगर इसमें कोई छोटी बड़ी लिस्ट होती है तो छोटी वाली लिस्ट कंसिडर की जाती है, और आपको एक्सप्लोर करना है तो आप पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिक्स टिप्स की तरफ। तो सिक्स में हम लोग यहाँ पे अनपैकिंग के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, कैसे हम लिस्ट के वेरिएबल्स को अनपैक करते हैं। जैसे हमारे पास एक टपल है, सेम एग्जैक्टली लिस्ट के साथ भी होगा, तो हमारे पास एक टपल है। अनपैक करने का मतलब होता है कि यहाँ पे लिस्ट भी हो सकती है, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग लिस्ट डाल रखी है, यहाँ पे लिस्ट भी हो सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनपैक करने का मतलब होता है हमें एक एक वेरिएबल निकालना है, तो ये जो 12 निकालेंगे ए में डाल देंगे और 21 निकालेंगे जो बी में डाल देंगे। राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे तो हमारा यही आउटपुट आएगा भी, ए कॉमा बी को प्रिंट करते हैं तो हमारा यही आउटपुट आएगा भी, देखिए 12 21। बट मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है,
हमारे पास कई सारे एलिमेंट है और हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ए की वैल्यू इसमें निकालनी है और ए में रखनी है, ए की वैल्यू मीन्स 12 निकालनी है, ए में रखनी है। तो सब लोग यही करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ ए लिख दोगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ए मीन्स क्या हो जाएगा कि पूरा पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा। देखिए राइट क्लिक करेंगे और रन करते हैं, तो देखिए पूरा पूरा टपल प्रिंट हो गया। ये तो प्रिंट नहीं करना, हमें ए की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा दोगे तब भी एरर आ जाएगी, क्योंकि लेकिन आपको निकालनी एक ही वैल्यू है, कॉमा लगा दिया तब भी देखिए एरर आ गई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली चाहिए एक वैल्यू, बाकी सब स्किप करना है। तो हमें स्किप करने के लिए मुझे लिखना होगा एस्ट्रिक अंडरस्कोर। अगर मैंने एस्ट्रिक अंडरस्कोर लिखा और मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा फाइल को, तो देखेंगे 12 आएगा, बाकी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। इसका मतलब हम एस्ट्रिक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों को स्किप करने के लिए। लेट अस सपोज आपको एक और सिचुएशन देखते हैं, आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक ये वाली वैल्यू और एक लास्ट वाली, और ए वेरिएबल में 12 रखना है और लास्ट में 24 रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ए और बी लूँगा और ऐसा सोचूंगा ए में 12 आएगा और बी में 24 आएगा, बट बीच वाली वैल्यूज़ के लिए मैं क्या करूँगा, एक और लगाऊंगा यहाँ पे एस्ट्रिक अंडरस्कोर और एक स्पेस दे दूंगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा और राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा प्रोग्राम। देख पाएंगे, देखिए ए में 12 प्रिंट हुआ और बी में 24 प्रिंट हुआ। इसका मतलब एस्ट्रिक अंडरस्कोर मीन्स फॉर स्किपिंग मोर देन वन एलिमेंट। अब जो वेरिएबल होगा उसी हिसाब से ये वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर आपको सिंगल वैल्यू स्किप करना है, दैट मीन्स लेट सपोज आपके पास यहाँ पे दो ही नंबर हैं, 12 और 21, और आप चाहते हो सिंगल चीज़ को स्किप करने के लिए, दैट मीन्स ए की वैल्यू चाहिए बट 21 छोड़ देना है, तो आप अंडरस्कोर लगा दिए तो ये सिंगल स्किप हो जाएगा और आपको ए प्रिंट नहीं करना है। राइट क्लिक करिए, प्रोग्राम को रन करिए, देखिए 12 आ गया, एक चीज़ स्किप हो। तो एक एलिमेंट को इससे स्किप कर सकते हो, और अगर मोर देन वन एलिमेंट से स्किप करना है तो आप एस्ट्रिक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, एस्ट्रिक अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने सेवंथ टिप्स की तरफ। तो सेवंथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पासवर्ड कैसे इनपुट लें यूजर से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, जावा वगैरह में भी आप लोग जब सीखते हो तो सिर्फ सिंपल टेक्स्ट कंसोल से इनपुट लेना सीखते हो, बट हम चाहते हैं, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है जिसमें मैं ईमेल ले रहा हूँ, ईमेल के बाद मैं ले रहा हूँ पासवर्ड ले रहा हूँ, और पासवर्ड एंटर पासवर्ड सिंपली ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ लॉगिन कराने के लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे डन हो जाएगा। हमें मेनली इस चीज़ को देखना है। तो मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे ईमेल मांग रहा है, तो अगर मैं ईमेल दे देता हूँ, एंटर किया, पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर मैं पासवर्ड दे देता हूँ तो ये देखिए पासवर्ड दिख रहा है, एंटर करेंगे तो आपका काम तो हो जाएगा बट पासवर्ड विजिबल है। हम चाहते हैं कि पासवर्ड ना दिखे यूज़र को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पाइथन में इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इसको इम्पोर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम गेट पास इम्पोर्ट गेट पास, और अब क्योंकि ये इस मॉड्यूल से गेट पास वाला फंक्शन आ गया, तो इनपुट की जगह अब आपको सिंपली यूज़ करना है गेट पास, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, प्रोग्राम को रन करिए और फिर से ईमेल दे दीजिए और पासवर्ड दे के देखिए, आपका काम हो गया gmail.com। और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा तो देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है, एंटर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप पासवर्ड को छुपाना चाहते हो कंसोल एप्लीकेशन बनाते समय कंसोल पे, तो आप क्या कर सकते हो, ये गेट पास फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनाते समय। तो ये इसीलिए हम लोग पाइथन को रिच लाइब्रेरी, पाइथन हैज़ रिच लाइब्रेरी बोलते हैं, क्योंकि पाइथन के पास एक से एक लाइब्रेरी है और बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑन वे बिल्ड हो रही हैं। तो आपको पाइथन में कोई काम करना है तो आप बहुत आसानी से वो काम कर सकते हैं बिना अपना दिमाग लगाए हुए, दैट मीन्स आप लाइब्रेरी को यूज़ करके काम कर सकते हैं बिना अपना सोचे अपना लॉजिक से, क्योंकि लाइब्रेरी है, आपको वहाँ से फंक्शन कॉल करने आपके काम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एट्थ, अब हम थोड़ा बात करेंगे कैसे हम लोग डिजिट को सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे दो डिजिट्स, दो नंबर्स हैं जिसमें
कितने डिजिट हैं आपको काउंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, और आप यहाँ पे कंफर्टेबल भी नहीं लग रहे होगे क्योंकि यहाँ पे इतने डिजिट हैं, आपको अगर काउंट करना है तो ऐसे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनना पड़ेगा, इसमें भी गिनना पड़ेगा। तो पाइथन में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, इन डिजिट्स को सेपरेट कर सकते हो, जैसे 3 3 डिजिट के बीच में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो और आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, 3 3 डिजिट पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, और अगर इनको सम करते हैं हम लोग s इक्वल टू n1 प्लस n2 और हम लोग क्या करते हैं इस s को प्रिंट करते हैं, तो आप देखेंगे आपको कोई भी रिजल्ट में, देखिए आपको आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग इसको हम लोग अंडरस्कोर सेपरेट कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े इंटीजर के साथ काम कर रहे हो। तो इससे होगा क्या, इस प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होगी, नंबर की रीडेबिलिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आप अपने प्रोग्राम में बहुत बड़े नंबर के साथ काम कर रहे होगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो उन डिजिट्स को आप अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हो और फिर उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, सेपरेट फॉर्मेट कर सकते हो। ध्यान से देखिए, फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, F यूज़ करूँगा, और F के अंदर सबसे पहले तो मैं लिखूँगा अपना नंबर, उसके बाद कोलन लगा के मैं यहाँ कॉमा यूज़ कर लूँगा, तो आपका आपका जो नंबर है देखिए कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे तो आपका जो नंबर होगा वो अंडरस्कोर से सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा जो 9th प्रोग्राम है उसमें मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दूंगा, जब आप फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक फाइल ओपन की है और यहाँ पे मैंने कंटेंट को रीड किया, फिर कंटेंट को प्रिंट किया, फिर उसे क्लोज किया है, मैनुअली मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। दैट मीन्स जब भी आप कोई रिसोर्स को ओपन करोगे, रीड करोगे, उसके बाद जब उसको प्रिंट करोगे या जो ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो डेटा लीक वगैरह कर सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर आप किसी फाइल को रीड कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, दैट मीन्स कि आप विद ऑपरेटर की हेल्प से रीड करो, जिसमें होगा क्या कि वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको वो फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना होगा विद ओपन और आपको फाइल का नाम देना है, तो मैं दे दूँगा 1_first.py एस एफ, एफ में रेफरेंस आ जाएगा, तो हम कहेंगे प्रिंट एफ डॉट रीड, दैट्स इट। अब आपको मैनुअली फाइल क्लोज नहीं करनी, और अगर आप देखिए रन करते हैं फाइल को, तो यहाँ पे देखिए आपने फर्स्ट प्रोग्राम में ये चीज़ लिखी थी, इस फाइल में जो रीड किया यही चीज़ है, रीड हो गया, ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो गया। तो कभी भी अगर आप कोई डेटाबेस रिसोर्स ओपन कर रहे हो या फाइल ओपन कर रहे हो रीड करने के लिए, तो आप विद ऑपरेटर से अगर हेल्प, इसकी हेल्प से अगर आप फाइल को ओपन करोगे, तो वो जो चीज़ होगी, दैट मीन्स आपको इस रेफरेंस पे क्लोज ऑपरेशन, क्लोज फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप क्या होगा, अपने आप क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिसोर्स क्लोज हो जाएगा, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको चीज़ें क्लोज करनी है, मैनुअली नहीं करनी है, तो ये सिंटेक्स फॉलो करें पाइथन। नेक्स्ट टिप्स लास्ट जो भी मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई आप पज़ल वगैरह बना रहे हो या फिर ऐसे करके कोई गेम बना रहे हो, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई जब मैं कोडिंग सीख रहा था, गेम वगैरह बना रहा था, और मैंने चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मैंने चाहता हूँ जो मैंने प्रॉब्लम झेली है वो आप लोग भी झेलो। लेट्स सपोज हमारे पास एक यहाँ स्ट्रिंग है और हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग से बारी बारी से एक एक करेक्टर आ जाए, तो C++, जावा वगैरह में आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा, और कैरेट फंक्शन वगैरह की हेल्प से आपको एक वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी हर बार। बट पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में आप क्या करिए, एक रैंडम मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लीजिए और रैंडम डॉट चॉइस कॉल करिए और अपनी स्ट्रिंग पास कर दीजिए, दैट्स इट। ये पाइथन अपने आप से जितनी बार प्रोग्राम चलाओगे इस पूरे स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर बारी बारी से देता रहेगा। देखिए इसने वी दिया, अगर मैं फिर से क्लिक कर रन करता हूँ तो जी दिया, फिर से रन करता हूँ तो फिर से इसने जी दे दिया, रन करता हूँ वी दिया, फिर रन करता हूँ एफ दिया, फिर रन करता हूँ आर दिया। इसका मतलब इतनी आसानी से काम हो गया, आपको कोई रैंडम नंबर नहीं बनाना और रैंडम नंबर बनाने के बाद ना करेक्टर फेच करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखा हम लोगों ने कि वो 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर एक पाइथन प्रोग्रामर को आनी चाहिए।
आनी ही आनी चाहिए अगर आपको एक बेस्ट पाइथन प्रोग्रामर बनना है तो। और पाइथन की सिंप्लिसिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इन प्रॉब्लम्स को बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं।